आपके साथ करने का। खास खबर में बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, जिन्होंने एक बार फिर लोकसभा में आंख मारी। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा में आंख मारने को लेकर पहले भी विवादों में रह चुके हैं। एक बार फिर राहुल गांधी अपनी आंख पर काबू नहीं कर पाए और सदन के भीतर फिर उन्होंने आंख मारी। राहुल ने एक बार नहीं बल्कि दो बार पीछे बैठे सांसदों को आंख मारी। बीजेपी ने राहुल को घेरा। कल यानी शुक्रवार को राहुल ने रफाल जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा के दौरान आंख मारी। राहुल की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई। अब इसको लेकर राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। अमित मालवीय ने लिखा, इनको अब मदद की जरूरत है। कब राहुल गांधी ने की यह हरकत? शुक्रवार को रफाल मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा के दौरान AIDMK नेता एम थंबीदुरई अपना पक्ष रख रहे थे, तो राहुल गांधी ने दुरई के पक्ष में मेज थपथपाई और फिर अपने पीछे बैठे सांसदों की तरफ आंख मार दी। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी सदन में आंख मारने को लेकर विवादों में आए थे। उसी दिन सदन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले भी लगाया था और बगल में बैठे अपने सांसदों को आंख मारी थी। शुक्रवार को सदन में क्या हुआ? लोकसभा में रफाल डील पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने रक्षा मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति से राहुल गांधी की बातचीत के सबूत भी सदन में मांगे। टीम CMN। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए CMN पर। तब तक के लिए नमस्कार। बच्चन जी। बोलिए बच्चा जी। आपने वो फिल्म जादूगर की थी ना? ना की थी। तो मुझे जादू दिखाइए। अच्छा। ये देखो मैं यहाँ पत्थर मारूंगा, यहाँ से कबूतर चिड़िया सब निकलेंगे। वो गया देखो, कबूतर चिड़िया सब उड़ गए। बच्चन जी। हाँ जी। बस इतना ही? हाँ और क्या। अब मेरा जादू देखिए, ये वाला पत्थर वहाँ मारूंगा और इंसान निकलेंगे। इंसान? हाँ इंसान। अरे कौन है भाई? देखो देखो। अरे यार क्यों तुम लोग गांव की इज्जत पे धब्बा लगा रहे हो? बाहर से लोग आएंगे तो क्या समझेंगे? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार जो है वो शौचालय बनाने में मदद कर रही है, तो आप भी अपने घर में शौचालय बनाइए, परिवार को उसका इस्तेमाल करवाइए। अच्छा मेरी नहीं सुनते हैं तो कम से कम ये समझदार आदमी की तो सुन लीजिए।